यहाँ पर हम देखेंगे आठवां पाठ, हम देखते हैं यहाँ पर आठवां पाठ में क्या बताया गया, अष्टम पाठ यानी कि आठवां पाठ क्या बताया गया है यहाँ पर, इसके बारे में हम जानेंगे। राजस्थानस्य रत्न गर्भे वसुंधरा धीराणा वीराणाम लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्वीनाम और सतीनाम संतानाम च खनिरस्थि, यानी कि राजस्थानस्य यानी राजस्थान की रतन गर्भे यानी कह सकते हैं राजस्थान की जो रतन गर्भ, रतन यानी सोना होता है वैसे तो, लेकिन रतन गर्भे यानी कि राजस्थान की जो भूमि है उसके गर्भ में वसुंधरा यानी भूमि, तो राजस्थानस्य रतन गर्भे यानी राजस्थान की रत्नों से युक्त भूमि है, यानी कि हम कह सकते हैं राजस्थान की जो भूमि है उसमें रतन है यानी सोने हैं। धीराणाम, धीराणाम होते हैं कि राजस्थान की भूमि पर कैसे लोग हुए हैं, धीर लोग हुए हैं, धीराणाम यानी धीरों की भूमि है ये, वीराणाम वीरों की भूमि है, लोक देवता नाम यानी लोक देवताओं की भूमि है, यहाँ पर लोक देवताओं ने जन्म लिया है, भक्ता नाम यानी भक्तों की भूमि है, योगी नाम यानी योगियों की भूमि है, राजस्थान की भूमि पर योगियों ने भी जन्म लिया है, तपस्वी नाम यानी तपस्वियों की भी भूमि है, सती नाम यहाँ पर सतियों ने भी जन्म लिया है, ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जो सती हुई हैं, और संता नाम यानी कि यहाँ पर संत भी हुए हैं, खान रिश्ती यानी कि खन रिश्ती मतलब है खान है, ऐसे लोगों की यहाँ पर खान है भारत राजस्थान के अंदर, जहाँ पर धीर लोग हुए हैं, वीर लोग हुए हैं, लोक देवता हुए हैं, भक्त हुए हैं, योगी हुई है, तपस्वी हुई, तपस्वी लोग हुए हैं, संत हुए हैं और सती हुई हैं, इन ऐसे लोगों की यहाँ पर राजस्थान की भूमि है वो खान है, यानी कि जिस तरीके से सोने की खान होती है उसी तरीके से, जैसे कि सोने की खान में बहुत सारी सोना भरा पड़ा होता है, उसी तरीके से राजस्थान की भूमि में ऐसे लोग हैं भरे हुए हैं यानी कि खान की तरह हैं। कानी तानी रत्नानी इति के नापि जिज्ञासते, यानी हम कह सकते हैं कानी तानी यानी वे कौन से, रत्नानी यानी कि रत्न है, तानी कानी तानी रत्नानी यानी वे कौन से रत्न है, इति के नापि जिज्ञासते चेद तापसी भूयसी तेसाम संख्या यत सर्वेसाम नाम ग्रहण अपि न सुकरम, यानी कि हम कह सकते हैं कानी तानी रत्नानी यानी कि वे कौन से रत्न है, इति के नापि जिज्ञासा यानी कि यह जिज्ञासा यदि कोई करता है, इति के नापि जिज्ञासा यानी कि यह जिज्ञासा यदि कोई करता है, येत येत मानी होता है तो, तावती भूयसी तो उनकी, भूयसी तेसाम संख्या तो उसकी इतनी अधिक संख्या है, अगर कोई इसकी जिज्ञासा करता है तो उस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए यहाँ पर उनकी इतनी संख्या है, येत तावसी ते येत तावती भूयसी तेसाम संख्या यत, उनकी संख्या इतनी है यत यानी कि, सर्वेसाम नाम ग्रहण अपि न सुकरम यानी कि इनकी इतनी अधिक संख्या है कि सभी का नाम लेना भी यहाँ पर सरल नहीं है, नाम ग्रहणम न सुक्रम, सुक्रम मतलब होता है सरल, न सुक्रम यानी सरल नहीं है, तो यदि किसी की जिज्ञासा होती है, ये जानने की जिज्ञासा होती है कि कितने प्रकार के यहाँ पर रत्न हैं, इस प्रकार के कितने प्रकार के यहाँ पर रत्न हैं, तो यहाँ पर इतने सारे लोग हुए हैं, इतनी सारी इनकी संख्या है कि उनका नाम लेना भी यहाँ पर सरल नहीं है, इतने सारे लोग हुए हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि उनका नाम हमें याद ही नहीं रहता है, इतने सारे लोग यहाँ पर हुए हैं। अश्यामेव भूमो यानी कि अश्यामेव होता है इसी भूमि में, अश्यामेव यानी इसी में, भूमो यानी भूमि, इसी भूमि में नाति चिरम जातस्य कस्य नररत्नस्य स्वामिनी केशवानंदस्य प्रेरकम जीवन व्रत मंत्र संक्षेपणे
प्रस्तुत, यानी कि हम कह सकते हैं इसी भूमि पर नातिचरम जातस्य कस्य, यानी कि कुछ समय पहले जातस्य कस्य नररत्नस्य, यानी कि हम कह सकते हैं मनुष्य रत्न रूप में, यानी कि मनुष्य सोने के रूप में, जिस तरीके सोने की कीमत होती है बहुत ज्यादा, बहुत मूल्यवान होता है सोना, इसी तरीके से मनुष्य मनुष्य के लिए यहाँ पर मूल्यवान शब्द यूज किया गया है कि अश्यामे भूमि, यानी कि अश्यामे भूमि यानी इसी भूमि में नातिचरम जातस्य कस्य नवरत्नस्य स्वामिनी, यानी कि मनुष्य रूपी रत्न के रूप में स्वामी, स्वामी किसका जन्म होता है, केशवानंदस्य प्रेरकम, यानी केशवानंद का प्रेरक यहाँ पर बताया गया है जीवन व्रत मंत्र, यानी कि जीवन का जो व्रत है, जो जीवन उन्होंने जिया है उसके बारे में बताया गया है संक्षेप में, यानी कि संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसी भूमि पर हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य रत्न के रूप में जो केशवानंद स्वामी जी की जीवन की जो प्रेरक कथा है उसका संक्षेपण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, यानी कि स्वामी केशवानंद हैं वो कर्मयोगी हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है, स्वामी केशवानंदस्य जन्म, यानी स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास, यानी पौष ये हिंदी का मास है, पौष मासे यानी कि पौष महीने में, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 1980, या एट नहीं है ये 4 है, 1940, यानी कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में 1940 विक्रम संवत में, 1940 विक्रम संवत में हुआ है, इसका मतलब इसमें 57 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1883, तो ये 1883 यानी सन 1883 में और विक्रम संवत 1940 में। राजस्थानस्य सीकर जनपदे मंगलूणाम ग्रामे अभवत, यानी कि राजस्थानस्य यानी राजस्थान के सीकर जनपदे यानी कि सीकर जनपद में, यानी पहले जनपद चलते थे तो उसी में यहाँ पर ये सीकर है वो जनपद था, तो वहां के लिए यूज किया गया है कि राजस्थान के सीकर जनपदे, जनपद हम जिले को भी बोल सकते हैं, कि सीकर जिले में मंगलूणाम ग्रामे यानी कि मंगलूणा गांव में अभवत माने हुआ है। तो स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ है, सीकर जिले के मंगलूणा गांव में हुआ है, और कब हुआ है, विक्रम संवत 1940 को हुआ है, और सन की बात करें तो 1883 में इनका जन्म हुआ है। अस्य पितु नाम ठाकुर सी रा ढाका, यानी कि हम कह सकते हैं इनके पिता का नाम, अस्य यानी इनके, पितु नाम यानी कि पिता का नाम ठाकुर सी ढाका थे। इति मातुश्च यानी इनकी माता का नाम सार, नाम सारा इत्यासीत, यानी कि इनकी माता का नाम क्या था, सारा था। वाल्ये केशवानंदस्य नाम, यानी कि जब बचपन में जो केशवानंद का नाम था, वाल्ये केशवानंदस्य नाम यानी कि बचपन में केशवानंद का नाम, वीरमा इत्यासीत यानी कि वीरमा था। यदा इस बाल सप्त वर्ष कल्प, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर यदा मानी जब, एस काल एस बाल यानी कि इस बालक का, जब इस बालक का सप्त वर्ष कल्प यानी कि जब ये बालक लगभग 7 वर्ष का था, आसीत मनी था, तदेव यानी कि तभी, उष्ट्रे मेड मासित्र यानी कि उष्ट्रे मेक मासित यानी कि ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ स्थले जीवन यापन कुर्वस्त्रे पिता दिवंगत, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं तभी एक ऊंट पर बैठकर क्या होता है, 7 साल के थे तभी, तदेव उष्ट मेकाश्रित यानी कि एक ऊंट पर बैठ करके रतनगढ़ स्थले यानी रतनगढ़ स्थल नामक में, यानी रतनगढ़ एक जगह का नाम है, रतनगढ़ नामक स्थान पर
जीवन यापन कुर्वस्त्रस्य कुर्वत्रस्य, यानी कि जीवन यापन करते हुए पिता दिम्बगत, यानी कि पिता का स्वर्गवास यहाँ पर हो जाता है। जब उनकी उम्र कितनी साल थी, 7 वर्ष की थी, तभी इनके पिताजी हैं वो एक ऊंट पर बैठ करके जीवन यापन कर रहे थे, यानी कि ऊंट पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उसी समय रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता का क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। अब बात आगे करते हैं। यहाँ पर पितु प्राणायात प्रागेव विपन्न तनया सृष्टि गृहेषु गोधूमादि पेषणम पात्र मार्जनम इत्येव मादिवी कार्ये, यानी कि हम कह सकते हैं पिताजी के प्राण चले जाने के बाद, प्रागेव यानी कि चले जाने के बाद, पितु प्राणायाम प्रागेव, प्रागेव मतलब होता है जाने से पहले, यानी कि पिताजी के प्राण जाने से पहले, विपन्नतायाम यानी होता है दरिद्रता, विपन्नतायाम श्रेष्ठु गृहेषु यानी कि सेठों के घर में, श्रेष्ठी गृहेषु गोधूमादि, गोधूमादि मतलब होता है गेहूं, यानी कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी उससे पहले ही से ही यहाँ पर दरिद्रता के कारण सेठों के घरों में गेहूं, सृष्टि करेसु गोधी मादी यानी गेहूं, पेषणम पात्र मार्जनम यानी कि गेहूं, या फिर हम बोल सकते हैं गेहूं आदि, यानी कि गेहूं और जौ, इस तरीके की जो चीजें हैं, पेषणम मतलब पीस करके, पात्र मार्जनम, मतलब कि बर्तन मात्यमेव आदि कार्य, यानी कि ऐसे आकार्य करके, यथा कथचित यानी कि जैसे तैसे काल यापनम कुर्वती, यानी कि जैसे तैसे यहाँ पर समय बीतता जाता है या जीवन यापन ये करते हैं। अस्य बालकस्य बाराकी यानी कि इस बालक की, बाराकी मतलब होता है बेचारी, माता, इदानी वेधव्य जो कि अब विधवा हो गई थी, कारणाद इतो अपि विपदा विभूता, यानी कि यहाँ पर इनकी माता अब विधवा होने के कारण और अधिक क्या हो गई थी, इतो अपि विपदा विभूता यानी कि और ज्यादा विपत्ति से ग्रस्त हो गई थी, और ज्यादा परिवार पर यहाँ पर संकट आ गया था। विपदा भूभूता अभवत यानी कि बहुत ज्यादा विपदा आ जाती है यहाँ पर। अभवत जैसे कि कहा गया है, उच्चते ही, मतलब कि परेशानी में क्या हो जाता है, उच्चते बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, छिद्रिष्ट नर्था बहुली भवंती, यानी कि क्या होता है, परेशानी में समस्या बढ़ जाती है, यानी कि छिद्रिष्ट नर्था बहुली भवंती, यानी जब परेशानी आती है तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऋतु प्राणात प्रणय प्रागेव, यानी कि पिता के प्राण जाने से पहले, विपन्नताया यानी कि पिता के प्राण जाने से पहले यहाँ पर विपत्ति थी। विपत्ति क्या थी, ये लोग गरीब थे, ये यहाँ पर विपत्ति थी। श्रेष्ठु गृहेषु गोधूमादि यानी कि जो सेठ लोग थे उनके क्या पीसती थी, गेहूं आदि, गोधूमादि यानी कि गेहूं और जो जौ है, इस तरीके की जो चीजें हैं, पेषणम यानी पीस करके, पात्र मार्जनम यानी बर्तन मांज करके, इत्ते माधि यानी इन सभी के, इत्ते माधि कार्य यानी इन सभी कार्यों के, काल यानी इस तरीके से जैसे तैसे उनका समय गुजर रहा था, काल गुजर रहा था या जीवन यापन हो रहा था, यापनम कुर्वन्ति यानी कि जीवन यापन कर रहे थे। अस्य बालकस्य बाराकी यानी कि इस बालक की बेचारी माता, इदानी वेधव्य कारणात
यानी कि इन सभी कारणों से, इतो अपि विपदा विभूता यानी कि इन सभी विपदाओं से गिर जाती है या इस पर विपदाएं बढ़ जाती है। एक तो ये विधवा हो गई थी, वेधव्य मतलब कि विधवा हो गई थी, और दूसरा ये गरीब लोग थे तो इनकी वजह से इनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए अभवत उच्चते ही, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, छिद्रे छिद्रस्व नर्था बहुली भवंती, यानी कि जब भी आप पर संकट आता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, या जब भी यहाँ पर परेशानियां आती हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। इदानी मातु यानी हम कह सकते हैं इदानो मातु सहयोगा यानी कि इसकी माता के सहयोग से, या ये अपनी माता का सहयोग करना चाहते हैं उसकी वजह से। इदानो मातु सहयोगाय वीरमा बालकेन गोचारणम का प्रारब्धम, यानी कि अपनी माता के सहयोग करने के लिए ये क्या करता है, वीरमा जो बालक है ये गाय चराने का काम स्टार्ट कर देता है, कार्य आरब्धम यानी। तदानीन्तम दीनहीन ग्रामीण, तो यहाँ पर क्या होता है, उस समय तदानीन्तम यानी कि उसी समय या उस समय जब ये गाय चराने जाता था या गाय चराने का काम इसने स्टार्ट किया था, तदानीन्त यानी कि उस समय दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्गस्य सामंतनाम राज्ञाम, राज्ञाम में आ जाता है नवाब, संघ का नाम बा विदेशी का नाम चाहे शासक का नाम, त्रिवेद दास्ता पंचरे आवद आसीत, पंजरे आवद आवद आसीत यानी कि उसी बात की बात है। दीनहीन ग्रामीण आते हैं यहाँ पर, उस समय के जो दीनहीन ग्रामीण किसान थे, ग्रामीण कृषक वर्ग यानी कि उस समय दीनहीन ग्रामीण किसान लोग थे, श्रमिक वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग थे, सामंता नाम यानी सामंतों, राजा ना राज्ञा नाम यानी राजाओं, और राजाओं को बोल सकते हैं यहाँ पर नवाब, नवाबों की संख्या दी गई है राजाओं को, सामंतों से राजाओं से, एंड विदेशी का नाम और विदेशियों से, तो राजा भी यहाँ पर इन पर अत्याचार करते थे, सामंत भी अत्याचार करते थे और विदेशी भी अत्याचार करते थे, तो इन तीनों के विदेशा का नाम, इन सभी के शासन काल से त्रिविध दास्ते यानी कि तीनों प्रकार के गुलामी रूपी यहाँ पर त्रिविध दास्ते पंजरे आवद आसीत यानी तीनों प्रकार के गुलामी रूपी पिंजरे में ये बंद थे। दास्ता, दास्ता होता है गुलामी, पंजरे मतलब जो पिंजरा होता है, यानी गुलामी के पिंजरे में ये बंद थे। रौरव नरक प्राय ही तेसाम जीवन आसीत, यानी कि हम कह सकते हैं रौरव नामक जो नरक है उसके समान उनका ये जीवन था। रौरव नरक प्राय यानी कि नरक के समान ही तेसाम जीवन आसीत यानी नरक के समान ही, तेसाम मानी उनका, जीवना जीवन जीवनमा आसीत यानी उनका जीवन था। अयम पुने यानी कि फिर भी, हम ये कह सकते हैं फिर भी गंड्यस्यो परिपिटक संब्रत यत भयंकरो दुर्विक्ष काले समापन, यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फिर भी गंड्योपकरी पिटक यानी कि फोड़े के ऊपर फुंसी संब्रत यानी कि जैसा यत्ते भयंकरो कारे दुर्भिक्ष काले समापन, कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सब तो चल ही रहा था उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से फोड़े के ऊपर फुंसी हो जाती है उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, अयम पुनः गंड्योश्च परिपीडक है यानी कि फोड़े के ऊपर जिस तरीके से फुंसी हो जाती है, या संप्रत यानी जैसे ही यत भयंकरो दुर्भिक्ष काले समापन यानी कि यहाँ पर एक भयंकर क्या आ जाता है, अकाल आ जाता है या अकाल आ गया था। वो कौन सा अकाल था, छप्पनिया अकाल यानी कि छप्पनिया अकाल आ जाता है, छप्पनिया अकाल इति कुपन के नाम से ये कुख्यात अकाल यहाँ पर आ जाता है यानी अकाल यहाँ पर पड़ जाता है। कब पड़ता है ये, विक्रम संवत 1956 में ये पड़ता है।
तमस्य तस्मने दारुणे अपि दुर्भरम आसीत। यानी कि उस समय जब यह अकाल पड़ा था, उस समय उस भीषण अकाल में तस्यस्य तमस्यस्य तस्मिन् दारुणे, यानी कि उस भीषण अकाल में दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणपि दुर्भिम आसीत। यानी उस समय प्राण धारण करना भी दुर्लभ हो गया था, यानी अपने जीवन को बचाना भी उस समय क्या था, दूभर था, यानी बहुत ज्यादा उस समय कठिन था। चतुर्दिक्षु जलम नेव, यानी कि चारों दिशाओं में जल नहीं था, यानी कि कोई पानी यहाँ पर नहीं था जब यह काल पड़ा था। चतुर्दशी जलम नेव, यानी कि चारों दिशाओं में पानी नहीं था। अन्न नेव, अन्न नहीं था। तृणम नेव, तृण मतलब होता है तिनका या घास, यानी ना तो घास थी, ना ही यहाँ पर अन्न था, ना ही यहाँ पर जल था। पास्यो अखंड साम्राज्यम, यहाँ पर केवल सुप्ति पास्यो यानी था। प्राण यानी कि प्राणियों की चीख सुनाई दे रही थी, चीख पुकार थी, प्राणी लोग थे, वो मर रहे थे भूख से। तो मार्तन आदर्श है, यानी कि प्राणियों की चीख यहाँ पर सुनाई दे रही थी, चीख पुकार थी। समी वृक्षाणाम त्वम, यानी कि बाधित्वा मनुष्य यथा कश्चित प्राणानाम रक्षित्वा कहते हैं यहाँ पर। समी वृक्षाणाम यानी जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, सभी वृक्षाणाम त्वचम यानी जो खेजड़ी के वृक्ष की खाल होती है या खेजड़ी के वृक्ष की जो छाल होती है, भरूट भरूट होता है, भरूट एक घास का नाम है, भरूट संगम घासम यानी कि भरूट नाम की घास को खा करके। घासम च खादित्वा यानी कि एक तो खेजड़ी के वृक्ष की जो छाल है उसको खा करके, और भरूट भरूट नाम की घास को खा करके, खादित्वा यानी खा करके। मनुष्य यथा कश्चित प्राणाम रक्षित्वा यानी मनुष्य ने जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। पश्व प्राय काल कबीलता यानी कि प्राय यहाँ पर पशु तो क्या हो गए थे, पश्व प्राय काल कबीलता यानी कि पशु जो थे वो मर गए थे, यानी कि काल के मुंह में चले गए थे, मृत्यु को वो प्राप्त हो गए थे। ए तो मात पुत्रो अपि जनपदात जनपद ग्रामात ग्रामम च अटंतो अस्मात, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हुआ था। ए तो मात पुत्रो यानी यहाँ पर माता और पुत्र अपि यानी भी जनपदात जनपदम ग्रामत ग्रामम च अटंतो आसमत यानी कि जनपद से जनपद यानी कि गांव गांव अटंतो अस्मात यानी भटक रहे थे। तो यहाँ पर जो माता और पुत्र थे वो जनपदे जनपद जनपदात जनपद यानी कि नगर नगर में जिले जिले में ग्रामत ग्राम यानी गांव गांव में अटंतो अस्मात यानी कि भटक रहे थे। अशीमन वांतरे सततम दुर्भिक्ष यानी कि इसी बीच में क्या होता है, अशीमन अवांतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणेन जर्जरिता वलवदस्वस्था च वीरमा जन्यपि पोडस वर्षिणी पोडस पोडस वर्षि देशिकम इमं किशोरस्य एकस्य विहा दिवम यानी कि इसी दुर्भिक्ष जो अकाल पड़ा था, इसी अकाल के अंदर अशिमन वांतरे सत्तम दुर्भिक्षम यानी इस लगातार दुर्भिक्ष अकाल की वजह से प्रतारणे यानी कि इसे पीड़ाओं से
प्रतारणेन यानी पीड़ाओं से, जर्जरता यानी कि जो जर्जर हो गया, क्षीण हो गया, बलवदस्थ यानी कि अत्यंत अस्वस्थ, वीरमा जन्मा की जो माँ है यहाँ पर इस अकाल की वजह से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाती है, बहुत ज्यादा पीड़ा या पीड़ित हो जाती है। और ये जननपि यानी कि माता भी, पोड़स वर्षे वर्ष देशियम यानी कि 16 वर्ष की उम्र में, इमम किशोर है यानी कि इस किशोर को एकलम बिहाय यानी एकला छोड़ करके, दीपम प्रयात यानी कि ये चली जाती है यानी स्वर्गलोक को चली जाती है यानी हम कह सकते हैं मर जाती है। तो 16 साल की उम्र में इस किशोर को छोड़ करके इसकी जो माता है इस दुर्भिक्ष अकाल की वजह से या इस भयंकर अकाल की वजह से अस्वस्थ हो जाती है, बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाती है और स्वर्ग को चली जाती है। फिर बात करें यहाँ पर जैसे तदंतरम यानी कि इसके बाद में क्या होता है, तदंतरम उसके बाद एकलो अपि सन असार संसार दुख दावनाल द्वितीय क्षोभति पसार्दित बीरमा उत्तरस्य दिशि अज्ञाते पथि अहिंडमान पंजावे फ्रोजपुरम प्राप्त है। यानी कि उसके बाद तदंतरम यानी उसके बाद एकलोपी यानी अकेले होते हुए भी सन असार संसार यानी कि हम कह सकते हैं अकेले होते हुए भी ये जो संसार है दुख दावानल यानी कि दुख रूपी जो दानव है, ये संसार दुख रूपी दानव ही जिसका साथी था, तो दुखी यहाँ पर उस बालक का उस टाइम पर साथी था, दुख दावनल यानी दुख रूपी जो दानव है यही उसका साथी था। कौन था ये दुख रूपी संसार था। और द्वितीय यानी दूसरा छुप्ति पास अर्दित यानी कि भूख और प्यास से वीरमा उत्तरस्य यानी कि यहाँ पर भूख और प्यास से छुप्ति पादर्शित है यानी कि भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा यानी जो बीरम नाम का जो बालक था, उत्तरस्य दिशि अज्ञाते पथि यानी कि उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर, अज्ञाते पथित यानी अज्ञात रास्ते, अहिंडमान यानी कि अज्ञात रास्ते पर, अहिंडमान होता है भटकता हुआ, पंजाबी फिरोजपुरम प्राप्त यानी कि पंजाब में फिरोजपुर पहुंच जाता है, तत्र केनापि यानी कि वहां भी, तत्र केनापि वहां किसी कृपालुना यानी कि कृपा करने वाले, कृपालुन होता है कृपा करने वाले, तो वहां भी कृपा करने वाले आर्य समाजस्य यानी आर्य समाज के अनाथाले अहम बीरमा रोटिकायाम अक्षर ज्ञानस्य च युगपद दर्शनम इदम प्रथमता अक्रोत। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहां किसी कृपा करने वाले के द्वारा, तत्र केनापि यानी कि वहां केनापि यानी किसी कृपालून यानी कृपा करने वाले आर्य समाज के किसमें इनका अनाथालय में प्रवेश कराए जाते हैं यानी इनका प्रवेश कराया जाता है अनाथालय में, अनाथालय प्रवेश से तो अहम यानी कि अनाथालय में इनका प्रवेश कराया जाता है, और बीरमा रोटी काय यानी कि इस बालक की रोटी और अक्षर ज्ञानस्य और इसको जो अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन यहाँ पर पहली बार हुआ था, अक्षर ज्ञानस्य च युगपत दर्शन है, युगपत मतलब होता है युग यानी एक साथ, च युगपत दर्शनम इदम प्रथमा अक्रोत यानी इसको पहली बार यहाँ पर किसके दर्शन होते हैं, इसको रोटी और अक्षर ज्ञान का यहाँ पर एक साथ पहली बार दर्शन होता है, पहले सिर्फ रोटी मिलती थी ज्ञान का दर्शन नहीं होता था, यहाँ पर ज्ञान और रोटी दोनों एक साथ यहाँ पर इसको मिलती है। अयमेव, अयमेव बोलता है हम यह कह सकते हैं अयमेव मतलब यहीं पर ही या यहीं ही,
एक स्थान यानी कि यहीं पर एक चरवाहा का महापुरुषत्व की, यहाँ पर चरवाहा कौन था, ये बालक है, तो यहीं एक चरवाहा का जो महापुरुषत्व की ओर यात्रा के प्रारंभ का ये बिंदु था। अयमेव एकस्य पशु चारकस्य, यानी ये बालक था पशु चराने वाला था पहले, तो पशु चारकस्य यानी पशु चराने वाले की महापुरुषत्व यानी महापुरुष बनने के प्रति यात्रा प्रस्थान बिंदु राशि, यानी कि महापुरुष की यात्रा पर जाने का ये प्रस्थान बिंदु था इसका, किसका, ये बालक का। अत्र तस्य हरदी संस्कृता ध्यानेक्षा अकरितु, यानी कि यहाँ पर उसके हृदय में क्या होता है, अत्र तस्य हरदी यानी कि यहाँ पर उसके हृदय में क्या होता है, संस्कृता अध्ययन इच्छा अकुरिता, यानी कि संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न यहाँ पर होती है, या संस्कृत के अध्ययन की उसकी इच्छा यहाँ पर होती है, वो चाहता है कि वो संस्कृत का अध्ययन करे। फिर उसके बाद में क्या होता है, जिज्ञासिते सति, यानी कि यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उसकी इच्छा होती है, तो वो क्या करता है, जिज्ञासिते सति यानी जिज्ञासा होने पर कथितम यानी कहा गया, यद जाटस्य तव संस्कृतम कैव सुलभम, यानी कि तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना यहाँ पर सरल नहीं है क्योंकि तुम जाट हो। जिज्ञासिते सति कथितम, यहाँ पर जब जिज्ञासा हुई या जिज्ञासा होने पर ये कहा गया, कथितम यानी कहा गया, यद जाटस्य यानी कि तुम जाट हो, तब संस्कृतस्य कव सुलभम यानी कि तुम्हारे लिए संस्कृत सीखना आसान नहीं है, सरल नहीं है। संस्कृत मिच्छामि चेव साधुर्भव, यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि संस्कृत को चाहते हो तो क्या बन जाओ, संस्कृत इच्छा से संस्कृत मिच्छसि यानी कि अगर संस्कृत सीखने की इच्छा है चेत तब साधुर्भव यानी कि साधु बन जाओ। तदनु तो उसके पश्चात क्या होता है, विक्रम संवत 1961, तो तब विक्रम संवत 1961 में, या सन की बात करें तो विक्रम संवत 1961 में या फिर सन 1904 में क्या होता है, फाजी संस्कृत मध्येषु उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृत, यानी कि यहाँ पर जो फाजिलका नगर दे रखा है, फाजिलका नगर में संस्कृत अध्ययन हेतु यानी कि संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय से यानी उदासी संप्रदाय के यहाँ पर स्वामी कौन आते हैं, कुशलदास से यानी कुशलदास का शिष्यत्व यानी कुशलदास के यहाँ पर शिष्य बन जाते हैं, साधुत्वम च अंगीकृत है और शिष्यत्व बन करके ये साधु बनना यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। कहाँ पर, नगरे संस्कृत अध्ययनेषु यानी संस्कृत में अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के जो स्वामी हैं कुशलदास उनके शिष्य बन जाते हैं और यहाँ पर साधु बनना स्वीकार है। तत्र गुरुमुखी लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिबा इत्यस्य पठने च पाटवा मधि गतम, यानी कि यहाँ पर तत्र माने कि यहाँ या वहाँ हम कह सकते हैं, हाँ वहां पर क्या होता है, गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिप्याम यानी गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में च पाडवा अधिकतम, यानी कि उन्हें यहाँ पर ये पढ़ने लग जाते हैं गुरुमुखी लिपि में, जो गुरु ग्रंथ गुरुमुखी लिपि पढ़ने लग जाते हैं यहाँ पर और गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उसको यहाँ पर ये पढ़ने लग जाते हैं, यानी इनको पढ़ने में इनको कुशलता प्राप्त हो जाती है। आगमानी यानी कि आगमानी वर्षे यानी कि आने वाले वर्षों में या अगले वर्षों में प्रयागे कुंभ मेला यामे के महात्मना स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, और अगले वर्ष में
प्रयाग में यहाँ पर प्रयागे कुंभ मेला मेलाया मेकेन, यानी कि प्रयागे के कुंभ मेले में कुंभ मेलायाम एकेन एकेन महात्मन, यानी कि एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, यानी स्वामी केशवानंद नाम इनको दिया गया था प्रयाग के कुंभ मेले में। गुरुवार आज्ञा कहते हैं, गुरु की आज्ञा से, गुरु आज्ञा यानी गुरु की आज्ञा से संस्कृत अते चापसु युषितम, यानी कि गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए और अमृतसर, अमृतसरे चापयुषितम, यानी कि हरिद्वार भी रहते हैं गुरु की आज्ञा से संस्कृत सीखने के लिए या संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, और अमृतसर भी ये रहते हैं। फिर क्या होता है, देशाटम, देशाटम होता है देश का भ्रमण करना। देशाटम यानी कि स्वामी जी ने यहाँ पर देश का भ्रमण करते हैं, स्वामी ना नगरनाम यानी देशों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरनाम नगर में, तीर्थानाम यानी तीर्थों में, मंदिराणाम मंदिरों में, मठानाम यानी कि मठों में, आश्रमाणाम यानी आश्रमों में, विद्यालयनाम यानी विद्यालयों में, विश्वविद्यालय नाम यानी विश्वविद्यालयों में, पुस्तक संग्रहालय नाम यानी संग्रहालयों में, वना नाम यानी वनों में, पर्वता नाम यानी कि पर्वतों में, नदी नाम यानी नदियों में, ऐतिहासिक स्थल नाम ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन किया। तो उसके बाद में जब वो देश का भ्रमण कर रहे थे स्वामी जी, स्वामी जी कौन, स्वामी केशवानंद जी, तो उन्होंने इन जगहों का अध्ययन किया। कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पर, तीर्थों का अध्ययन किया यानी तीर्थों पर संस्कृत का अध्ययन किया, वहां से संस्कृत सीखी, या ऐसे स्थलों का उन्होंने अध्ययन किया, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का अध्ययन किया, और पुस्तकालयों का, संग्रहालय, वनों का, पर्वतों का इन्होंने अध्ययन किया है। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि स्वय शिष्यस्य गुण गणे महिमा परम प्रीत गुरु कुशलदास स्वय जीवत काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदस्य दत्तवान और गुरु पीठे चैतम प्रतिष्ठ विद्वान। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं अपने शिष्य की गुण समूह की जो महिमा से यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके गुरु, स्वामी शिष्यस्य स्वय शिष्यस्य गुण गण महिमना, यानी कि अपनी और महिमा से परम प्रीत यानी कि प्रसन्न होकर के गुरु कुशलदास जी जो हैं वो क्या करते हैं, स्वय जीवित काले यानी कि अपने जीवन काल में खुद जीवित होते हुए भी गुरु कुशलदास जी अपने जीवन काल में ही, स्वय जीवन काले एवं यानी अपने जीवन काल में ही आश्रमस्य स्वामित्व यानी आश्रम का जो स्वामित्व है वो किसे देते हैं, केशवानंद नाम दत्तवान, केशवानंद को दे देते हैं, और गुरु पीठे चैतम प्रतिष्ठित बान यानी कि गुरु की प्रतिष्ठा पर उसको क्या कर देते हैं, प्रतिष्ठित कर देते हैं यानी कि उसको गुरु बना देते हैं। परोपकाराम सताम विभूत यानी कि परोपकाराम संतानाम विभूत यानी कि संतों की जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, पार करना यानी सत्पुरुषों की संपत्ति क्या होती है, परोपकाराम संतानाम विभूत यानी परोपकार ही संतों की संपत्ति होती है। इति धियाम समृद्ध मठस्य विभूति नाम उपयोगम विद्याए विद्याए उर्दू प्रधाने फाजिलका अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यभ्रम, यानी कि यहाँ पर जो सत्पुरुषों की समाधियां हैं दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं, यानी कि सत्पुरुषों की संपत्ति क्या होती है,
दूसरों का कल्याण करना ही सत्पुरुषों की संपत्ति होती है। इति धिया यानी कि इसी विचार से समृद्ध मठस्य यानी कि समृद्ध मठ की जो संपत्ति है उसका उपयोग विद्युनाम उपयोग विद्या यानी कि उसका संपत्ति का उपयोग करके उर्दू प्रधान किसकी रचना करते हैं? उर्दू प्रधान ने फाजिल का आवोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य प्रारब्धम यानी कि राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य ये प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सोचते हैं क्या कि परोपकार ही संतों की क्या है? संपत्ति है। इसी विचार को लेकर के वो राज्य हैं फाजिलका अवर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य यहाँ पर आरंभ कर देते हैं। आदो तावद यानी हम कह सकते हैं आदो तादव यानी कि सबसे पहले आश्रमे एवं वेदांते यानी कि आश्रम में ही वेदांते पुष्प वाटिका यानी वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आश्रम में ही ये क्या करते हैं वेदांत पुष्प वाटिका वेदांत पुष्प वाटिका नाम से एक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और ये वाचनालय है प्रारंभ करते हैं। यानी कि उसके बाद में या ये जब पुस्तकालय और वाचनालय बना देते हैं तो उसके बाद ही पश्चात यानी उसके बाद ही एका संस्कृत पाठशाला मापी स्थापित है एक संस्कृत पाठशाला का भी क्या करते हैं ये निर्माण करते हैं या फिर इसके बाद ही एक संस्कृत पाठशाला की ये स्थापिता यानी कि स्थापित करते हैं कि अबोहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा में क्या करते हैं ये जो नागरी प्रचारणी सभा है उसका प्रारंभ करते हैं। जन सहयोग ने साहित्य सदनम यानी कि जन सहयोग से साहित्यम सदनम यानी साहित्य सदन जो साहित्य सदन है साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्याम संस्था भी आरब्ध है यानी कि साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था की भी स्थापना करते हैं यानी संस्थापक बनते हैं आरंभ करते हैं। या ही यानी कि जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की निकेतनम आपासीत यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संत रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन के समान है जो संस्था इन्होंने बनाई है ये वाली कौन सी साहित्य सदनम अबोहर ये जो संस्था बनाई है या ये जो संस्था का स्थापना की है ये किसके समान है रविंद्रनाथ ठाकुर की जो शांति निकेतन है उसके समान ही है। यन्माध्यनमेन यानी जिसके माध्यम से चय ग्राम क्षेत्रेषु वो क्या करते हैं ग्राम क्षेत्रों में 25 यानी कि 25 विद्यालयनाम यानी विद्यालयों की चल पुस्तकालयों की और सत्य साहित्य प्रकाशन आए यानी कि सत्य साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इतस्य स्थापना जात यानी दीपक प्रेस की ये स्थापना करते हैं यानी कि इसके बाद में क्या करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से यानी गाँव में 25 विद्यालय बनवाते हैं चल पुस्तकालय बनवाते हैं और सत्य साहित्य में हम स्थापना करते हैं। साहित्य सदने यानी कि साहित्य सदन में ही एवं स्वामिनी 30 यानी यहाँ पर हो सकते हैं साहित्य सदन में ही स्वामी जी के 30वें यानी कि तमम मनी 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य
सम्मेलनापि आयोजिता, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा स्वामीनाथ यानी साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30 अखिल भारतीय, तमाम अखिल भारतीय यानी 30 अखिल भारतीय यहाँ पर आयोजित होता है, यानी आयोजन किया गया। हिंदी सेवार्थी स्वामी साहित्य वाचस्पति, यानी कि हम कह सकते हैं क्या है, हिंदी सेवा के लिए जो स्वामी जी का साहित्य है, हिंदी सेवार्थी स्वामी यानी हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी का जो साहित्य है वो कौन सा है, वाचस्पतीय साहित्य है। तथा और चय राष्ट्रभाषा गौरवम, और उनकी राष्ट्रभाषा गौरव, एक तो साहित्य वाचस्पति है और एक राष्ट्रभाषा गौरव है। इत्युपाधिद्वयं प्रदत्त, यानी कि ये दो उपलब्धियां यहाँ पर प्रदान की गई है। इत्युपाधिदम प्रदत्त, यानी कि ये दो उपलब्धियां इनको प्राप्त की गई है। कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को एक तो दी गई है साहित्य वाचस्पति, और दूसरी यहाँ पर राष्ट्रभाषा गौरव की उपाधि यहाँ पर दी गई है। केशवानंद हिंदी प्रचार कार्यणेकुम सुफलम यानी कि एतदासीद यद देश विभाजन काले, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या हुआ था, केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यणाम एकम यानी कि कार्यों का सुफलम यानी सुफल मिलता है कब, एतदासीद यानी कि जब देश विभाजन हो रहा था उस काल में यहाँ पर केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम हमें मिलता है। पंचम स्थान है गमनात वारितम, यानी कि पंजाब का जो फाजिल्का क्षेत्र है पाकिस्तान में जाने से जाता, तो ये यहाँ पर देश विभाजन के समय को फायदा होता है, या इनको जो हिंदी प्रचार किया है उसका ये फायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे स्वतंत्रता आंदोलन अपि, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद, नेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारिस गारिस अपि निबद्ध, यानी कि हम कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन अपि यानी स्वतंत्रता आंदोलनों में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद है, ये नेकवारम यानी कि अनेक वर्षों तक, नेकवारम वर्षाणि यानी अनेक वर्षों तक यावत कारागारे अपि निबद्ध, यानी कि ये है अनेक वर्षों में यानी अनेक बार कहाँ जाते हैं, कारागार यानी कि जेल में जाते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने की वजह से ये स्वामी केशवानंद है, अनेक बार अनेक बारम वर्षाणि यानी वर्षों तक ये जेल में रहे हैं अनेक बार। शिक्षा प्रसार यानी कि हम कह सकते हैं शिक्षा प्रसार के लिए, शिक्षा प्रसार शिक्षा प्रसार के लिए कृत भूरि स्वयमेण, कृत भूरि श्रमेण यानी कि हम कह सकते हैं शिक्षा प्रसार के लिए कृतभूरि श्रमेण, यानी कि बहुत परिश्रम करते हैं स्वामिनी, यानी स्वामिनी ने शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। ग्रामोत्थाने विद्यापीठ, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर स्वामी जी के द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए अधिकतम परिश्रम करने वाली जो स्वामी जी हैं उनके द्वारा क्या किया गया था, ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाई गई। संगरिया इदस्य संस्थापना कृत, यानी कि संगरिया नामक संस्था की स्थापना कर, ग्राम क्षेत्रसु तेन उपतिष्ठत, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम क्षेत्रसु तेन उपतिष्ठत यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 300 शिक्षा शालाएं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 300 शिक्षा शालाएं खोलते हैं। एंड उप 50 यानी कि हम कह सकते हैं 50 छात्रावास स्थापित किए, ग्रामीण क्षेत्रों में 300 शिक्षा
शालाएं बनाई होती है। शिक्षा क्षेत्र स्वामी ने, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी क्या करते हैं, श्रम पंडित मनमोहन बालवी अस्य पुरुषार्थ स्मृति, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो परिश्रम है शिक्षा पुरुषार्थ स्मृति, शिक्षा के क्षेत्र में जो स्वामी जी ने काम किया है वो काम किसकी याद दिलाता है, मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थ स्मृति, यानी मदन मोहन मालवीय है उसके पुरुषार्थ की याद दिलाता है, स्मृति यानी याद दिलाता है। योग्य मेव स्वामी वर्य, यानी कि योग्य स्वामी है यहाँ पर शिक्षा संत और शिक्षा के संत, यानी योग्य स्वामी महोदय शिक्षा संत इस स्तुति वचन से यहाँ पर सुशोभित होते हैं। कौन से स्तुति वचन है, जिसे देव स्वामी वर्य शिक्षा संत इति बिरुदेन भूषति, यानी कि जो योग्य स्वामी है शिक्षा संत है ये इसी स्तुति वचन से सुशोभित होते हैं। कौन कौन से स्तुति वचन है जिससे सुशोभित होते हैं, समाज सुधारक के कहे जाते हैं, समाज सुधारक केशवानंदे मरु प्रदेशे व्याप्ताम मृत्यु भोजनम, यानी कि समाज सुधारक जो केशवानंद है मरु प्रदेश में व्याप्त क्या है, मृत्यु भोजन, यानी कि मृत्यु भोज, तो मरु प्रदेश में व्याप्त थी ये मृत्यु भोज। बाल विवाह, यानी कि बाल विवाह कुप्रथा थी। नारी उत्पीड़नम, यानी कि नारी का उत्पीड़न होता था। और यौतुक प्रथा, यौतुक प्रथा क्या होती है, दहेज प्रथा, यौतुक प्रथा। अवगुंडन प्रथा क्या होती है, जो घूंघट की प्रथा होती है उसको बोलते हैं अवगुंठन प्रथा। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। मद सेवनम यानी कि शराब का सेवन इत्यादि कुप्रथा नाम निवारण सदैव सचेष्ट आसी, यानी कि इन सभी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए ये हमेशा क्रियाशील रहे हैं, सदैव सचेष्ट रहे हैं। मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज बाल प्रथा क्या होता है, जो घूंघट प्रथा है, घूंघट प्रथा अस्वच्छता और मद सेवन, इन सभी कुप्रथाओं का निवारण करने की ये चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं या फिर क्रियाशील रहते हैं इनको दूर करने के लिए। फिर बात करते हैं आगे, स्वामिनी जीवनम स्वामिनो जीवन सर्व पंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति, यानी कि हम कह सकते हैं स्वामी जी का जो जीवन है स्वामिनो जीवनम, यानी स्वामी जी का जो जीवन है सर्व पंथस्य सद्भाव, यानी कि सभी पंथों के सद्भाव का निदर्शनम अस्ति, यानी कि उदाहरण है या फिर दर्शन कराता है। तो यहाँ पर स्वामी जी का जो जीवन है सभी पंथों के सद्भाव का हमें दर्शन कराता है। अयम ही जाट जातो, यानी कि यह जाट जाति में अयम ही जाट जातो जातम परम सिख गुरु, यानी कि इनका जन्म अयम ही जाट जातो, यानी कि इनका जन्म तो जाट जाति में हुआ है परंतु यहाँ पर क्या हुआ, सिखों के गुरु परम सिखो गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन प्रवर्ते उदासी संप्रदाय दीक्षित है, यानी कि इनका जो जन्म है वो जाट जाति में हुआ है परंतु क्या होता है, परंतु सिख गुरु नानक देव, यानी यहाँ पर सिखों के गुरु थे नानक देव, उसके पुत्र थे श्री चंदेन के द्वारा, यहाँ पर उसके पुत्र चंदन प्रवर्तित है, यानी उसके पुत्र के द्वारा चंदन के द्वारा स्थापित उदासी संप्रदाय दीक्षित है, यानी उदासी संप्रदाय में ये दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्य पाठी अभूत, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये गुरु ग्रंथ के श्रेष्ठ पाठक बने हैं, जाट जाति में जन्म हुआ था फिर भी। एक साधनायाम, एकादश वर्षानायाम साधनायाम
700 कारित्वानि, यानी कि हम कह सकते हैं कि 11 वर्षों की साधना से एका 10 वर्षाणि साधना, यानी 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठों का क्या लिखते हैं, ये सिखों के इतिहास के लेखन का कार्य करते हैं। विभाजन कालीन, यानी कि विभाजन के समय या विभाजन काल में हिंसाचारी छत्ता नाम कह सकते हैं कि विभाजन के समय क्या हुआ था, विभाजन के समय हिंसा होने पर हिंसा नाम हिंसाचारी, यानी कि विभाजन के समय हिंसा होने से जो घायल मुस्लिम भाइयों का यहाँ पर इन्होंने क्या कराई थी, चिकित्सा कराई थी, भाइयों की इन्होंने चिकित्सा कराई थी। सिख विष्णुई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी और जैनाधाचार्याणी सम्माने कार्यक्रमा, सिख विष्णुई और नामधारी 10 नामी और आर्य समाजी और जैन, इनके आदि आचार्यों के सम्मान में जैन आचार्याणी सम्माने कार्यक्रम आयोजित है, इन सभी आचार्यों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं इन्होंने। जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्ते ग्रामोत्थाने विद्यापीठ, यानी कि यहाँ पर जाट विद्यालय है, जाट विद्यालय संगरिया का नाम बदलकर, जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्तित, यानी कि संगरिया का नाम बदल करके क्या कर दिया, नाम बदल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया, यह किया, यानी जो सांगरिया था जाट विद्यालय उसका नाम बदल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया गया। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान द्रष्टुम सरक छोटूराम के एस पणिकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भूदान प्रेरणता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राव। तो यहाँ पर हम कहें कि क्या हुआ, स्वामी केशवानंद प्रकल्पान दृष्ट है, यानी कि स्वामी केशवानंद के कार्यों को देख करके सर छोटू राम, यानी सर छोटू राम के एम पाणिकर और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और भूदान प्रेरणता है, यहाँ पर भूदान प्रेरणता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राव, और यहाँ पर कौन आते हैं बाबू जगजीवन राव के बाद में, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजा महेंद्र प्रताप महाराणा शार्दुल सिंह महाराणा कर्णी सिंह मोहनलाल सुखाड़िया बरकतुल्ला खां और डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल नेके चान्ये भारतीया विदेशाश्चर्य विदाशानाम शिक्षाविद राष्ट्रीय नीतिविद धर्मचारिश्चय यथावरम संगरिया विद्यापीठे समाप्या। यानी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री है, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री और राजा महेंद्र प्रताप है, राजा शरदुल सिंह है, राजा करणी सिंह है और मोहनलाल सुखाड़िया बरकतुल्ला खान है, यानी कि बरकतुल्ला खान डॉक्टर वासुदेव शरणम, यानी डॉक्टर वासुदेव शरणम अग्रवाल है, यहाँ पर वासुदेव शरणम अग्रवाल नेके चाने भारतीया और ऐसे अनेक भारतीय विदेशी काश्चित विद्वासा, यानी कि अनेक ऐसे अनेक भारतीय हैं जिनमें विदेशी विद्वान विदेशी काश्चित विद्वान यानी विदेशियों के विद्वान शिक्षाविद आते हैं, यहाँ पर राजनीतिक भी आते हैं, धर्माचार्य यानी कि धर्माचार्य भी आते हैं, यथावरस्य संगरिया पीठे समाप्या, यानी कि यहाँ पर यथावसर संगरिया विद्यापीठ में ये सभी आए हैं। शिक्षायाम महिला कल्याणे और शिक्षा में महिला कल्याण में दलितों उत्थाने यानी दलितों के उत्थान में संलग्न स्वामी जी यहाँ पर द्विवारम यानी दो बार संसद सदस्य अवर्तते, यानी कि संसद के सदस्य भी रहते हैं, यहाँ राज्यसभा के दो बार ही सदस्य रहे हुए हैं,
एक तो कब रहे हैं 1952 से 1964 में, ये दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि सत्यम विलक्षण हो, सत्यम विलक्षण हो मासीत सन्यासी ये खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ति वा मार्गे मनाद्रत्य। यानी कि हम कह सकते हैं सत्यम विलक्षण हो आसीत सन्यासी, यानी कि जो सन्यासी होता है वह विलक्षण होते थे, ये जितने भी सन्यासी होते हैं विलक्षण थे। ये खलु आत्मकल्याणस्य, जो कि आत्मकल्याण अथवा मुक्ति वा मार्गस्य, यानी कि मोक्ष का मार्ग छोड़ करके, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सन्यासी विलक्षण थे, जो ये सन्यासी थे ये विलक्षण सन्यासी थे, ये आत्मकल्याण का मार्ग छोड़ करके या मोक्ष का मार्ग छोड़ करके क्या करते हैं, न तुम कामे राज्यम न स्वर्ग ना पुनर्भव, यानी कि ये कहते हैं न तो मैं राज्य की इच्छा रखता हूँ, न तुम कामये राज्यम, यानी ना तो उन्हें काम की या राज्य की इच्छा थी, न स्वर्ग ना पुनर्भव और ना ही उन्हें स्वर्ग की इच्छा थी और ना ही उन्हें मोक्ष की इच्छा थी। कामे दुखम तत्वानाम प्राणी नाम मृति नाशन, यानी कि मैं तो दुखों से पीड़ित, कामे दुखम तत्वानाम, यानी कि मैं तो दुखों से पीड़ित है, लोगों की पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूँ। प्राणी नाम इति नाशनम, यानी कि मैं तो लोगों के दुखों की पीड़ा को दूर करने की कामना करता हूँ। इति पंथान मनुसरण, यानी कि इति पंथानाम मनुसरण, जीवन से एकोन नव व्यतीते वर्षे अपि कुर्बने मेव कर्माणि देहल्या, यानी कि इस प्रकार की भावना से युक्त मारे का अनुसरण करते हुए, यानी इस प्रकार की भावना के अनुसरण करते हुए जीवन से एकोनोवेशिते, यानी कि 89 वर्ष में, एकोनोवेशिते वर्षे अपि, यानी कि 89 वर्ष की उम्र में कुर्वत्रेव कर्माणि, यानी कि कर्म करते हुए देहल्या, देहल्या यानी देहली, राजमार्गे चरणे वे अनंत यात्रा करते, यानी कि देहली के राजमार्ग पर चलते हुए उन्होंने अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान कर लिया। अनंत यात्रा के लिए मतलब कि यहाँ पर स्वर्गवास हो जाता है। सत्यमोव वक्ता, यानी कि यहाँ पर ये स्वर्गलाल चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सत्यमेवो वक्तम, यानी कि सत्य ही कहा गया है, क्या कहा गया है, संति संतय कियंत, यानी कि कितने सज्जन होते हैं, संति संतय कियंत, ऐसे साधु पुरुष बहुत कम होते हैं, संति सत्य कियंत, यानी ऐसे साधु पुरुष, ऐसे साधु पुरुष हैं दुनिया में बहुत कम हैं।